रामायण के मशहूर गाथाओं के नायक श्री रामचंद्र जब अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास में थे, दानवों का राजा रावण माता सीता को अपहरण करके अपनी नगरी लंका पर ले जाता है। श्री राम अपने प्यार माता सीता की खोज करने के लिए बुलाते हैं वीर वानर योद्धा और श्री राम की परम भक्त पवन पुत्र हनुमान को। श्री राम अपने प्यार की निशानी के तौर पे एक सोने की अंगूठी समेत हनुमान को लंका की ओर भेजते हैं। हनुमान अपनी एक छलांग से हिंद महासागर की विशाल दूरी तय करके लंका पहुंचते हैं। हनुमान जी ऊंची चट्टान के ऊपर खड़े हुए लंका को देख रहे थे। अपने बलशाली पैरों के जरिए उन्होंने छलांग लगाया और हाथ पे अपनी अटूट दृढ़ता की प्रतीक अपनी गदा को लेकर लंका की भूमि पर पदार्पित हुए। अदम्य साहस के साथ हनुमान जी ने लंका के राज आंगन में प्रवेश किया, पर पहरे देते हुए कुछ राक्षस सैनिकों ने आधी रात को राजमहल की ओर किसी अनजान वानर को पड़ते हुए देख लिया। राक्षस सैनिकों ने हनुमान पर हमला करने की योजना लिया। लड़ाई करते वक्त किसी एक राक्षस ने हनुमान जी के पूंछ पे आग लगा दिया। हनुमान जी के पूंछ पर लगे हुए आग उनकी क्रोध की ऊर्जा की तरह भड़कता रहा। उनकी क्रोध की अग्नि हर तरफ फैल चुका था। लंका की जलने की खबर सुनकर अदम्य राक्षस राज रावण क्रोध से जल उठे थे। माता सीता को ढूंढते हुए हनुमान पहुंचते हैं अशोक वाटिका में। श्री राम की निशानी अर्थात उनकी अंगूठी माता सीता को दिखाते हैं। मेरी ये कंगन निशानी के तौर पे ले जाओ। माता, थोड़ी देर और प्रतीक्षा कीजिए, मेरे प्रभु राम आपको लेने आएंगे।